हम प्रमुख कीटों की बात करें, कौन कौन से कीट हैं जो इस समय समस्या पैदा कर सकते हैं बागवान भाइयों के लिए, तो उनके बारे में जानकारी जी हाँ, चाहेंगे। मौसम के उतार चढ़ाव के अनुसार कीटों का प्रकोप बढ़ता है, तो इस समय किसान भाई तो वैसे तो छिड़काव पहले कर रखे होंगे जिससे हॉपर या आम का भुनगा कीट न लगे। फिर जी भी अब दाने बन रहे हैं तो आपको फल लग गया है तो दो कीट आने की संभावना रहती है। एक तो भुनगा, आम का भुनगा जो हॉपर, मैंगो हॉपर बोलते हैं, वो कीट आने की संभावना रहेगी। यदि आपको वो कीट आता है तो भी छिड़काव करना है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि थ्रिप्स जो एक कीट है वो बहुत छोटा छोटा होता है, जी तो जी छोटे छोटे इन बौर पे देखेंगे जहाँ दाने बने हुए हैं तो ये पूरे मंजर पे देखेंगे बहुत छोटे छोटे बारीक कीट दिखाई देंगे, थ्रिप्स की व्यवस्था वो लग जाते हैं। तो ये थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए और साथ साथ ये भुनगा का भी नियंत्रण हो जाएगा, एक कीटनाशक का छिड़काव करें जी जिसको बोलते हैं डाइमेथोएट या थायमेथोक्साम। अच्छा, थायमेथोक्साम के बारे में आप ये जान लें कि ये थ्रिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो अच्छा नियंत्रण करता है। अब इसके पहले छिड़काव करने से पहले यदि हम 3% नीम ऑयल, नीम का तेल का छिड़काव पहले कर दें, उसके बाद 2-3 दिन के बाद थायमेथोक्साम का छिड़काव जिसमें 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से वो दवा होगी और उसका छिड़काव करें, तो उससे हमारा थ्रिप्स का भी नियंत्रण हो जाएगा और जो भुनगा इस समय लग रहे होंगे उनका भी नियंत्रण हो जाएगा। तो किसान भाइयों को ये जरूर इस समय छिड़काव पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये दोनों कीट इस समय आने की संभावना रहती है। अगर थ्रिप्स लग गया तो आप देखेंगे पिछले सालों में जो आम आप बड़ा होता था या पकता था तो आम के ऊपर आप देखते थे काले काले धब्बे बन जाते थे, तो ये जो धब्बे बनते थे वो थ्रिप्स की वजह से बनते हैं। आम बड़ा होता रहेगा, अगर थ्रिप्स लगा रहेगा तो आपका आम तो नहीं गिरेगा लेकिन उस पर धब्बे बन जाएंगे, और धब्बे बनने से क्या होता है कि उसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है, तो जी बाज़ार में अच्छी कीमत नहीं मिलती है क्योंकि ये जैसे ही पकते हैं तो ये आम बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उसमें फफूंदी आ जाती है फिर और आम सड़ना शुरू हो जाता है। जी तो इससे बचने के लिए हमको थ्रिप्स का नियंत्रण बहुत बिल्कुल ही आवश्यक है।